छोटी छोटी बातों पर लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करने लगते हैं। ये बात नेता कहे या समर्थक कहे, ये बात समझ में आती है, लेकिन प्रशासनिक पद पर बैठकर कोई अधिकारी किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान जाने की बात करे तो ये गलत बात है। ये घटना मेरठ की है। मेरठ के सिटी एसपी डॉक्टर अखिलेश नारायण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोगों द्वारा काली पट्टी बांधने को लेकर वे खफा हो गए। इनके साथ मेरठ के डीएम भी काली पट्टी से खफा दिखे। दरअसल एनआरसी को लेकर हुए बवाल में मेरठ के एसपी अखिलेश नारायण और डीएम आग बबूला हो गए। दोनों का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें अखिलेश नारायण को ये कहते पाया गया कि खाते हो यहाँ की और विरोध भी करते हो। उन्होंने इतना तक कह दिया कि पाकिस्तान चले जाओ। कहाँ जाओगे इस गली को? मैं ठीक करूंगा, देखो मौका दिए ना। वो तो ठीक है, जो काली पट्टी और पीली पट्टी बांध रहे हो पाकिस्तान टीचर काला होने में ना लगेगा सेकंड नंबर के, एक सेकंड हम सब कुछ काला पट्टी नहीं जिंदगी नहीं काली इतना ही है। नहीं नहीं गलत बात ठीक है, इसमें नहीं रहने का मन है, चले जाओ। आओगे यहाँ गाँव में कहीं आओगे बताओ सालों को फोटो हो गई पूरी बात है। मुझे याद हो गई, याद रखना है। जब मुझे याद हो जाता है ना तो नानी तक मैं पहुंचता हूँ, याद रखिएगा आप लोग। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पाकिस्तान को लेकर बात कही जा रही है, क्या उस टाइम कहा था और क्या वाक्य क्या था सर? ये लिसाड़ी चोपला से जब हम भूमिया पुल वाले नूरनगर साइड में जाते हैं तो एक गली में सूचना मिली, हम रेडियम सिटी थे, कुछ फोर्स हमारे साथ था, कि वहाँ पर कुछ लड़के उत्पात करने के चक्कर में थे। उस दिन काफ़ी बवाल चल रहा था, तो हम रेडियम सिटी जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे, जिसमें कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दौड़ लगा दिया। तो उसे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि ये जो इनका नेचर है, वो जो सूचना मिली है उससे तालमेल है और ये बवाल करा सकते हैं। इसके आधार पर गली में भागे, वो अंदर भाग गए, कुछ लोग मिल गए और उनको डांट फटकार इसमें किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। सर उसमें आपने क्या उनसे कहा गया जो वीडियो में वायरल में भी? उनसे उन लड़कों के लिए कहा गया कि ये गली, क्योंकि उसी गली से आए थे तो वो गली हमने याद किया कि इस तरीके का वांछनीय तत्व इसमें रहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहां का तुमको ज़्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा गया? हाँ, उसमें उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देखकर और जो माहौल चल रहा था उसमें ये उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी, तो मेरे द्वारा उनसे ही कहा गया कि अगर उनसे ज़्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफरत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ये ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान होगी, मुकदमे में कनेक्ट करेंगे उनको, उनकी पहचान चल रही है। बिल्कुल, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तो मतलब ऐसे माहौल में अगर आप नारे लगाते हैं अमेरिका जिंदाबाद सारा जिंदाबाद होता रहे, लेकिन जिस समय ये सब बवाल चल रहा है उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सूचना उस गली की मिली है तो ये तो ठीक नहीं था। किस उम्र के लड़के होंगे लगभग, अगर देखा जाए मैच्योर थे क्या? रहे होंगे 18-20-22 इसी उम्र के लड़के थे, 25 साल इस टाइप के लड़के थे वहाँ पर। सर जिंदगी काली करने के लिए भी कुछ ऐसी बात कही गई कि हम जिंदगी काली कर दी जाएगी? नहीं, उन लोगों का काली का मतलब है कि अगर वो जेल में जाएंगे तो उनकी जिंदगी काली रहेगी। सर ये कि एसपी सिटी साहब की और एक एडीएम सिटी साहब की वीडियो वायरल हो रही है, इसके संबंध में क्या कहना सर? ये एक वीक पुरानी वीडियो है 20 तारीख की, और इसमें तथ्य ये है कि वहाँ भारत विरोधी और पड़ोसी देश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कुछ लोग पीएफआई और एसडीपीआई के पर्चे बांट रहे थे। इस सूचना पे एडीएम सिटी और एसपी सिटी मौके पे गए, वहाँ वीडियो से स्पष्ट है कि पूर्व में भी पथराव हो चुका था और इन्होंने जाके स्थिति संभाली और ये कहा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ उपद्रव न करें। 20 तारीख के दिन यहाँ स्थिति अत्यंत ही संवेदनशील थी, तभी सभी जगह पथराव हो रहे थे, कुछ आगजनी की भी घटनाएं हुई थी। ये हो सकता था कि शब्दों का चयन सामान्य परिस्थितियों में इससे बेटर हो सकता था,
लेकिन अधिकारियों ने पूरा संयम का परिचय दिया और किसी तरह की बदसलूकी जो अन्य लोग वहाँ खड़े थे तो उनके साथ नहीं की। और एक सप्ताह के बाद से इस तरह के वीडियो को चलाया जाना, विशेषकर जब कल शुक्रवार को सभी शांति रही, ऐसा लगता है कि ये भी एक साजिश का हिस्सा है ताकि स्थिति यहाँ सामान्य न होने पाए और आपसी कटुता बढ़ती रहे। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो एक प्रण लिया है कि सभी लोग पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य बनाए रखेंगे, ये इसको सफल नहीं होने देंगे, जिसका परिचय कल यहाँ की जनता ने, मेरठ की जनता ने दिया है। इसके अतिरिक्त पूरे मेरठ जोन में स्थिति पूर्णतः सामान्य और शांतिपूर्ण। हालांकि ये सब सुनकर वहाँ किसी ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से माहौल और खराब हो सकता है। शायद ये बात अधिकारी बखूबी जानते हैं। एक तरफ जहां इस बवाल में प्रदर्शनकारियों को शांत करने का मुख्य ध्येय होना चाहिए, लेकिन लोगों को शांत करने वाले शांति समिति की लगातार बैठक करने वाले अधिकारी ही अपना आपा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के काली पट्टी बांधने को लेकर इतने नाराज हुए कि उनको जेल में डालने की जगह पाकिस्तान भेजने की वकालत करते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल खूब हो रहा है और कुछ हिंदू संगठन के अधिकारी इसको वायरल करके माहौल खराब करने की कोशिश करते दिख रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को सिंघम की उपाधि दे रहे हैं, जिससे विशेष वर्ग में रोष पैदा हो सकता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब